और शिवहर के तरियानी छपरा में 29 सितंबर की रात 7 बजे आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों लोगों के घर को बर्बाद कर दिया। जहां हजारों लोग भी विस्थापित हो गए तो वहीं अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इसके बावजूद भी तरियानी छपरा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोग अभी भी तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। तटबंध पर शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों का कहना है उन्हें घर हर संभव जिला प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है और बाढ़ पीड़ित प्लास्टिक की झोपड़ी में अपने शरण लिए हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण कम्युनिटी किचन पर आश्रित है। नेपाल में हुई भारी वर्षा की वजह से तटबंध ब्रीच हुआ था तो तरियानी छपरा के कुछ वार्डों में पानी प्रवेश कर गया था, पर अभी जल स्तर में कमी हुई है, उससे काफ़ी लोगों में राहत है। तत्काल राहत और बचाव कार्य पूर्ण कर लिया गया था और सभी के प्रयास से और लोगों की सजगता से किसी भी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं हुई है। लोगों को और जो उनके जो पशु हैं उन सभी को राहत पहुँचाई गई। लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन कराया गया और पशुओं में चारा वितरण किया गया। और शिवहर के तरियानी छपरा में 29 सितंबर की रात 7 बजे आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों लोगों के घर को बर्बाद कर दिया। जहां हजारों लोग भी विस्थापित हो गए तो वहीं अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इसके बावजूद भी तरियानी छपरा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोग अभी भी तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। तटबंध पर शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों का कहना है उन्हें घर हर संभव जिला प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है और बाढ़ पीड़ित प्लास्टिक की झोपड़ी में अपने शरण लिए हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण कम्युनिटी किचन पर आश्रित है। नेपाल में हुई भारी वर्षा की वजह से तटबंध ब्रीच हुआ था तो तरियानी छपरा के कुछ वार्डों में पानी प्रवेश कर गया था, पर अभी जल स्तर में कमी हुई है, उससे काफ़ी लोगों में राहत है। तत्काल राहत और बचाव कार्य पूर्ण कर लिया गया था और सभी के प्रयास से और लोगों की सजगता से किसी भी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं हुई है। लोगों को और जो उनके जो पशु हैं उन सभी को राहत पहुँचाई गई। लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन कराया गया और पशुओं में चारा वितरण किया गया। और शिवहर के तरियानी छपरा में 29 सितंबर की रात 7 बजे आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों लोगों के घर को बर्बाद कर दिया। जहां हजारों लोग भी विस्थापित हो गए तो वहीं अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इसके बावजूद भी तरियानी छपरा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोग अभी भी तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। तटबंध पर शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों का कहना है उन्हें घर हर संभव जिला प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है और बाढ़ पीड़ित प्लास्टिक की झोपड़ी में अपने शरण लिए हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण कम्युनिटी किचन पर आश्रित है। नेपाल में हुई भारी वर्षा की वजह से तटबंध ब्रीच हुआ था तो तरियानी छपरा के कुछ वार्डों में पानी प्रवेश कर गया था, पर अभी जल स्तर में कमी हुई है, उससे काफ़ी लोगों में राहत है। तत्काल राहत और बचाव कार्य पूर्ण कर लिया गया था और सभी के प्रयास से और लोगों की सजगता से किसी भी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं हुई है। लोगों को और जो उनके जो पशु हैं उन सभी को राहत पहुँचाई गई। लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन कराया गया और पशुओं में चारा वितरण किया गया। और शिवहर के तरियानी छपरा में 29 सितंबर की रात 7 बजे आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों लोगों के घर को बर्बाद कर दिया। जहां हजारों लोग भी विस्थापित हो गए तो वहीं अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इसके बावजूद भी तरियानी छपरा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोग अभी भी तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। तटबंध पर शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों का कहना है उन्हें घर हर संभव जिला प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है और बाढ़ पीड़ित प्लास्टिक की झोपड़ी में अपने शरण लिए हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण कम्युनिटी किचन पर आश्रित है। नेपाल में हुई भारी वर्षा की वजह से तटबंध ब्रीच हुआ था तो तरियानी छपरा के कुछ वार्डों में पानी प्रवेश कर गया था, पर अभी जल स्तर में कमी हुई है, उससे काफ़ी लोगों में राहत है। तत्काल राहत और बचाव कार्य पूर्ण कर लिया गया था और सभी के प्रयास से और लोगों की सजगता से किसी भी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं हुई है। लोगों को और जो उनके जो पशु हैं उन सभी को राहत पहुँचाई गई। लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन कराया गया और पशुओं में चारा वितरण किया गया। और शिवहर के तरियानी छपरा में 29 सितंबर की रात 7 बजे आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों लोगों के घर को बर्बाद कर दिया। जहां हजारों लोग भी विस्थापित हो गए तो वहीं अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है।
इसके बावजूद भी तरियानी छपरा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोग अभी भी तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। तटबंध पर शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों का कहना है उन्हें घर हर संभव जिला प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है और बाढ़ पीड़ित प्लास्टिक की झोपड़ी में अपने शरण लिए हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण कम्युनिटी किचन पर आश्रित है। नेपाल में हुई भारी वर्षा की वजह से तटबंध ब्रीच हुआ था तो तरियानी छपरा के कुछ वार्डों में पानी प्रवेश कर गया था, पर अभी जल स्तर में कमी हुई है उससे काफ़ी लोगों में राहत है। तत्काल राहत और बचाव कार्य पूर्ण कर लिया गया था और सभी के प्रयास से और लोगों की सजगता से किसी भी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं हुई है। लोगों को और जो उनके जो पशु हैं उन सभी को राहत पहुँचाई गई। लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन कराया गया और पशुओं में चारा वितरण किया गया। और शिवहर के तरियानी छपरा में 29 सितंबर की रात 7 बजे आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों लोगों के घर को बर्बाद कर दिया। जहां हजारों लोग भी विस्थापित हो गए तो वहीं अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इसके बावजूद भी तरियानी छपरा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोग अभी भी तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। तटबंध पर शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों का कहना है उन्हें घर हर संभव जिला प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है और बाढ़ पीड़ित प्लास्टिक की झोपड़ी में अपने शरण लिए हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण कम्युनिटी किचन पर आश्रित है। नेपाल में हुई भारी वर्षा की वजह से तटबंध ब्रीच हुआ था तो तरियानी छपरा के कुछ वार्डों में पानी प्रवेश कर गया था, पर अभी जल स्तर में कमी हुई है उससे काफ़ी लोगों में राहत है। तत्काल राहत और बचाव कार्य पूर्ण कर लिया गया था और सभी के प्रयास से और लोगों की सजगता से किसी भी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं हुई है। लोगों को और जो उनके जो पशु हैं उन सभी को राहत पहुँचाई गई। लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन कराया गया और पशुओं में चारा वितरण किया गया। और शिवहर के तरियानी छपरा में 29 सितंबर की रात 7 बजे आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों लोगों के घर को बर्बाद कर दिया। जहां हजारों लोग भी विस्थापित हो गए तो वहीं अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इसके बावजूद भी तरियानी छपरा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोग अभी भी तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। तटबंध पर शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों का कहना है उन्हें घर हर संभव जिला प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है और बाढ़ पीड़ित प्लास्टिक की झोपड़ी में अपने शरण लिए हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण कम्युनिटी किचन पर आश्रित है। नेपाल में हुई भारी वर्षा की वजह से तटबंध ब्रीच हुआ था तो तरियानी छपरा के कुछ वार्डों में पानी प्रवेश कर गया था, पर अभी जल स्तर में कमी हुई है उससे काफ़ी लोगों में राहत है। तत्काल राहत और बचाव कार्य पूर्ण कर लिया गया था और सभी के प्रयास से और लोगों की सजगता से किसी भी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं हुई है। लोगों को और जो उनके जो पशु हैं उन सभी को राहत पहुँचाई गई। लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन कराया गया और पशुओं में चारा वितरण किया गया। और शिवहर के तरियानी छपरा में 29 सितंबर की रात 7 बजे आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों लोगों के घर को बर्बाद कर दिया। जहां हजारों लोग भी विस्थापित हो गए तो वहीं अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इसके बावजूद भी तरियानी छपरा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोग अभी भी तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। तटबंध पर शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों का कहना है उन्हें घर हर संभव जिला प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है और बाढ़ पीड़ित प्लास्टिक की झोपड़ी में अपने शरण लिए हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण कम्युनिटी किचन पर आश्रित है। नेपाल में हुई भारी वर्षा की वजह से तटबंध ब्रीच हुआ था तो तरियानी छपरा के कुछ वार्डों में पानी प्रवेश कर गया था, पर अभी जल स्तर में कमी हुई है उससे काफ़ी लोगों में राहत है। तत्काल राहत और बचाव कार्य पूर्ण कर लिया गया था और सभी के प्रयास से और लोगों की सजगता से किसी भी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं हुई है। लोगों को और जो उनके जो पशु हैं उन सभी को राहत पहुँचाई गई। लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन कराया गया और पशुओं में चारा वितरण किया गया।